हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन IIT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेट बी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 6×6 रियल मैट्रिक्स ओवर द प्लेन आर, देन द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस ऑफ वी कंसिस्टिंग ऑफ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, और ऑप्शन दिए हुए 15, 18, 21, 35। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। और हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि सिमेट्रिक होगा, उसकी डायमेंशन कितनी हो सकती है। तो यहाँ से हम देखते हैं, एक 6×6 का मैट्रिक्स बनाते हैं तो, और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर ए बी सी डी ई एफ इस तरह से बना सकते हैं, या सॉल्यूशन के लिए सिंपली सॉल्यूशन के लिए इनकी सॉल्यूशन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। फ्रेंड्स, इनका कोई नंबर्स नहीं, नंबर्स नहीं, एक तरह से ये मैं साइन दे रहा हूँ कि पहले नंबर को 1 दिया, दूसरे नंबर को 2 दिया, तीसरे नंबर को 3 दिया, चौथे नंबर को 4, 5, 6, एक साइन दे रहा हूँ, कोई नंबर नहीं है। इस तरह से फिर ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, और यहाँ से 15 से आएगा 16, 17, 18, 17, 18, और 17, 18 के बाद 19, 20, 20, यहाँ पे 21। तो ये हमारे पास टोटल जो लास्ट फाइनल नंबर क्या है, 21। लास्ट फाइनल नंबर जो है वो है हमारे पास 21। जैसे जो डायमेंशन है वो भी 21 इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है उसकी डायमेंशन जो है, टोटल नंबर्स कितने हो सकते हैं अलग, वो 21 हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसकी डायमेंशन, मैक्सिमम डायमेंशन जो हो सकती है वो 21 हो सकती है। इस तरह के इससे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। फ्रेंड्स, ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।